गुजरांवाला से अहम खबर आपको देंगे, जहां मुशीरे से सलमान रफीक के पहुंचने से कबल मेडिकल कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब में बदनज़मी हुई है। मेडिकल कॉलेज के 7 साल मुकम्मल होने पर यह तकरीब मुनक्किद की गई थी। तकरीब से सलमान रफीक ने खिताब करना था। मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा की स्टेज पर हंगामा आरई मनाजिर भी आप देख सकते हैं। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रहे हैं। तकरीब से मुशीर सेहत पंजाब सलमान रफीक ने खिताब करना था, लेकिन तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा की स्टेज पर हंगामा आरई भी देखने में आई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सीनियर रिपोर्टर तनवीर भट्ट से। तनवीर, बताइएगा बदनज़मी की क्या वजह सामने आई है? जी, आज गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज को 7 साल मुकम्मल हो गया, जिस पर एक बड़ी तकरीब का इंतजाम किया गया था, जिसमें मुशीरे से सलमान रफीक ने पहुंचा था। अभी तकरीब शुरू नहीं हुई, मुशीरे से भी नहीं पहुंचे थे, तो वहां पे जो प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा है वो स्टेज पे आ गए और उन्होंने जो वहां के प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ उनके किरदार कुशी शुरू कर दी, हंगामा रही शुरू कर दी कि मैं जो बोल रही हूँ जो कह रही हूँ उसको रिकॉर्ड किया जाए, कि प्रिंसिपल का किरदार अच्छा नहीं है। उनकी जब किरदार कुशी शुरू हुई तो दूसरी जो डॉक्टर थी उन्होंने जबरदस्ती प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा को नीचे उतारा स्टेज से और उनको मनाते रहे, उनसे बात करते रहे, उनको लेके साइड पे गए। इस दौरान उन्होंने जो मीडिया के लोग वहां पे पहुंचे थे उनको भी कवरेज के लिए रोक दिया कि इसकी कवरेज ना की जाए। लेकिन अभी तक जो मामला है वो जो डॉक्टर उज़्मा को तो समझा बुझा के साइड पे ले गए हैं, लेकिन अभी तक मुशीर सेहत वहां पे नहीं पहुंचे। जी ठीक, तो तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। सीनियर रिपोर्टर तनवीर भट्ट, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आपका।